तो आप देख रहे हैं बाबा दर्शन। मैं अभी नोखा नासरीगंज पथ के पास राजपुर के समीप तुर्कवलिया में है। यहाँ स्टेपिंग स्टोन एकेडमी के डायरेक्टर यमुना चौधरी जी से मेरी बातचीत होगी और इस स्कूल के बारे में भी जानेंगे कि इस स्कूल को कब पठन पाठन शुरू हुआ और इस स्कूल में कैसा रख रखाव और कैसी व्यवस्था है। यमुना जी, सर्वप्रथम तो हम बाबा दर्शन न्यूज चैनल को से आप आए हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम यमुना चौधरी है, मैं इस स्कूल के संस्थापक हूँ। वर्ष 2011 में हम लोग विद्यालय का स्थापना किए थे। 11-12 सेशन हम लोग का कंप्लीट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा बनाने में लग गया। 9/11/2012 को गणितज्ञ श्री आनंद कुमार जी के कर कमलों के द्वारा इस विद्यालय का उद्घाटन हुआ और 9 अप्रैल 2012 से पठन पाठन की कार्य शुरू हुई। स्टार्टिंग में बहुत तरह की परेशानियां भी आई और सब परेशानियों के बावजूद भी इधर इलाके में इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होने से अभिभावकों में काफ़ी खुशी थी और उनका जो विश्वास हम लोग पर हुआ और जो प्रोत्साहन मिला उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ते चले गए और आज के डेट में हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आज विद्यालय का इतना दिनों में के संघर्ष के बाद रिसेंटली अभी CBSE से एफिलिएशन भी हो गया, इससे अभिभावकों में और खुशी है और इसी तरह से हम लोग काम करते आ रहे हैं और आगे भी बेहतर सुविधाएं यहाँ दी जाए इसके लिए हमेशा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आनंद कुमार जी कितनी बार विजिट किए यहाँ? आनंद सर एक तो स्कूल का उद्घाटन किए उस समय आए और पहला जब एनुअल फंक्शन हम लोग किए 11 दिसंबर 2012 में, उस समय भी उन्होंने आए और बच्चों को संबोधित किया। कुछ लोग ऐसे तो हर साल कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहा है, तो हर साल जो मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, जैसे उसके बाद आनंद सर के बाद यहाँ सासाराम जिला से, मैंने जिला मुख्यालय से DDC भी आए हम लोग के यहाँ, उन्होंने बच्चों को संबोधित किया। उसके बाद SDM विक्रमगंज नेक्स्ट ईयर में आए, उसके बाद मंत्री अनीता देवी, श्रीमती कांति देवी भी हम लोग के विद्यालय में आके बच्चों को और अभिभावकों को संबोधित किया उन्होंने। उसके बाद फिर जाने माने प्राध्यापक PMCH हड्डी रोग के जो डिपार्टमेंट है उसके HOD आए, बच्चों को संबोधित किए। टाइम टू टाइम हम लोग के अभिभावक को कहें संत पॉल स्कूल के चेयरमैन श्री SP वर्मा जी भी टाइम टू टाइम बच्चों को संबोधित करने के लिए यहाँ विद्यालय में आए। ऐसे बहुत सारे गणमान्य लोग को कोशिश करते हैं हम लोग कि विद्यालय में आए और बच्चों को संबोधित करें, बच्चों को गाइडलाइन दें, हम लोग को भी प्रोत्साहित करें, इस तरह से कार्यक्रम हम लोग करते हैं। सवाल है डॉक्टर साहब कि जो लैब वगैरह है या जो साइंस वगैरह का जो हमने देखा, लाइब्रेरी वगैरह देखा, ये सब कैसे माइंड में स्कूल के लिए काफ़ी ज़रूरी है? लैब अभी हम लोग जब 6-7 तक जब क्लास चल रहा था तो उस समय थ्योरी से काम चल जाता था, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो टीचर का उसमें शिक्षकों का कहना रहा है कि भाई हम लोग थ्योरी में तो पढ़ा देते हैं परंतु उसको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए आवश्यकता है, तो ये जहन में आई और शिक्षक का दबाव रहा। हम लोग भी महसूस किए कि बच्चों को प्रैक्टिकली कोई चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाएं तो उनको ज़्यादा समझ में आ जाएगी, इस उद्देश्य से हमने साइंस लैब बनवाया। साइंस लैब में बहुत सारे इक्विपमेंट लगाए गए और बच्चों को उसके हिसाब से पढ़ाया जाता है। उसके पहले भी हम लोग 2013 से स्मार्ट क्लास का कंसेप्ट आया था,
जिसमें कि नॉर्मल कोर्स में कोई चीज़ हम लोग बता देते थे, पढ़ा देते थे, लेकिन फिजिकली उसको दिखा पाना थोड़ा संभव असंभव हो जाता था। उस उद्देश्य से हम लोग स्मार्ट क्लास लगाए। स्मार्ट क्लास में था कि ये डीएस डिजिटल का था, एस चांद ग्रुप का उनका कंटेंट था, तो कोई कोई चीज़ पढ़ाने में उनका फिगर के साथ और ऑडियो के साथ जब आता था तो उसको हम लोग ले जाके बच्चों को जस्ट एक प्रैक्टिकल के तौर पर उसको दिखाते थे। उससे बच्चे को काफ़ी फ़ायदा होता था और बच्चे कोई चीज़ को बहुत काफ़ी मैंने जल्दी ही समझ पाते थे। इस उद्देश्य से हम लोग ये सब लेबोरेटरी का व्यवस्था किया। देखिए, यमुना चौधरी जी ने साफ साफ कहा कि हमने स्कूल जो खोला उस स्कूल में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए और कैसे कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, ये सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला। कैमरामैन कामरान कुरैशी के साथ मैं इनामुल्ला खान। फास्ट टेबल का फास्ट एक्सरसाइज, कमांड फॉर मी, कमांड फॉर यू, मेरे साथ सब करेंगे। 1 2 फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।